तो राइट गाइस, आज के वीडियो में हम क्यू एन ए करने वाले, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालती है कि हम क्यू एन ए करने वाले हैं, तो मेरे को क्वेश्चंस पूछो, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आई थिंक 350 क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस में से मैंने चूज किए कुछ क्वेश्चंस जो कि मतलब कुछ तो मतलब बेहुदा भी हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जिनका जवाब देने का मन भी कर रहा था। सबसे पहले पहला सवाल ये था कि ब्रो आपने शादी कर ली हमें नहीं बताया। हाँ भाई, एक्चुअली मैंने 5 शादियाँ कर ली है और मेरी 8-10 गर्लफ्रेंड्स हैं और 10-15 तो ऐसे घूमने जो भी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। मतलब भाई कैसा सवाल है यार, अभी तो मैं छोटा हूँ यार। तो भाई मतलब इसी बंदे ने अगला क्वेश्चन पूछा है कि सॉरी भाई शादी नहीं की, माय क्वेश्चन इज जब आप शादी करोगे तो यूट्यूब पर वीडियो डालोगे। हाँ भाई, मैं एक काम करूंगा, मैं शादी की भी वीडियो डालूंगा, उस टाइम मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। मतलब 10-15 कैमरे इस साइड, 10-15 कैमरे इस साइड लगाकर मतलब पूरा फुल लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मैं उस वीडियो की, ठीक है। तो मैं शादी क्यों यार, मैं सुहागरात के भी वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है, ये भी सही रहेगा। मतलब क्वेश्चन पूछने के बोलता है यार, तुम इज्जत की बजा रहे हो एकदम से। वो अगला क्वेश्चन ये है कि क्यू एन ए बनाना कब बंद करोगे तुम लोग। भाई मतलब पहला क्यू एन ए मेरे इस चैनल पर और तुम लोग अभी बोल रहे हो बंद करने के लिए, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, सच सच बताना। अगर सच बोल दिया तो भाई मैं आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, बट 2 या 2.5। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि चॉकलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। चॉकलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गूगल पे देख लेते हैं। चॉकलेट। अगला क्वेश्चन, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान, आई माइट बी योर फर्स्ट पाकिस्तानी फॉलोअर, बाय द वे लव योर वर्क। सो सबसे पहले वालेकुम और थैंक यू सो मच कि मेरा जो कंटेंट है वो पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, तो भाई दिल से लव यू। अगला क्वेश्चन ये कि भाई पब्लिक में ब्लॉग करते हुए शर्म नहीं आई क्या आपको। शर्माना जिससे यार, अपना कैमरा हमारा सोशल मीडिया, हम जहाँ मर्जी पोस्ट करें, कुछ भी करें, पब्लिकली ब्लॉग करना कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलते अगर तुम करना चाहो तो तुम आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई ब्लॉग के लिए कौन सा कैमरा यूज करते हो। भाई मैं ब्लॉग के लिए एक अपना आईफोन यूज करता हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, आईफोन भी यूज करता हूँ सिनेमैटिक्स वगैरह के लिए, और मतलब जो मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ उसके लिए मैं अपना कैनन का मार्क 2 है मेरे पास, उससे शूट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेवरेट हॉलीडे कहाँ पर, बीच, माउंटेन और सिटी। तो भाई अगर गर्मियों की हॉलीडे हो तो भाई माउंटेन्स पे चले जाओ तुम, बीच पे चलो, बीच पे एक अलग सी वाइब आती है। बेस्ट पर्सन हु कीप योर सीक्रेट्स अ सीक्रेट, भाई ऐसा कोई नहीं है, मैं खुद अपने सीक्रेट्स खुद तक रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करता। भाई यार डेली ब्लॉग किया करो प्लीज़, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लव यू ब्रो। और भाई डेली ब्लॉग करने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, अब से मैं कोशिश करूँगा एक हफ्ते में एक ब्लॉग डाल सकूँ। अगला क्वेश्चन ये है व्हाई आर यू सो वाइट। भैया हम इतना फिल्टर मारते हैं कि 4-5 फिल्टर एक टाइम पे मारते हैं, और भैया रिंग लाइट है हमारे पास, एक सॉफ्ट लाइट है हमारे पास, ऊपर से फोन भी तो हमारे पास आईफोन है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन ये है कि जन्नत का रास्ता कहाँ है। भाई बस मेरे घर से 2 कदम दूर, यहीं पास में ही है जन्नत का रास्ता, एक्चुअली वो जेडीए का रास्ता है। क्या करें जब गर्लफ्रेंड धोखा दे के चली जाए। एक काम कर सकते हो, तुम उसके घर में जाओ, उसके अब्बा से बात करो कि भाई तुम्हारी लड़की समाज के लिए हानिकारक, उसे घर में बिठा के रखो, ज़्यादा मत बोलना वरना मार पड़ जाएगी, बॉयफ्रेंड बन जाओ मेरी क्रश बहन, ऐसा नहीं हो सकता, हमें माफ़ करें, हमें जाने, हम जीना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 46 + 78। यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से लाते हो तुम लोग भाई, सच में मुझे भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन हैशटैग आज का, कितने डॉलर मिलते हैं 1K होने पर। भैया 1K होने पर कोई डॉलर नहीं मिलता, ये तुम्हें किसने बोल दिया। भाई अगर चैनल मोनेटाइज करना है उसके लिए आपके 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि मेरा अभी बहुत कम है, 4000 मेरा बिल्कुल नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद भाई इतना रोक रहा है, सब सामने होगा आपके। अगला क्वेश्चन, हाउ इज योर इंस्पिरेशन, हाउ नहीं एक्चुअली हु इज योर इंस्पिरेशन एंड डू यू लाइक माई ब्लॉग्स। तो भाई मेरी इंस्पिरेशन दानिश है, इज माई इंस्पिरेशन। हैशटैग आस्क साकिब, यार यूट्यूब से जब पहली इनकम आएगी तो एक मुर्गी लेंगे। भाई एक मुर्गी, हम एक काम करेंगे, एक मुर्गियों का बड़ा सा अड्डा खोल देंगे, उसका हेड मैं तुम्हें बना दूंगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, हैशटैग आस्क साकिब, भाई स्टूडियो टूर दो प्लीज। भाई मेरे पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है जिसका मैं टूर दे सकूँ, बस कुछ दीवारें हैं, जैसे ये वाली एक दीवार है और ये वाली दीवार जो मैंने खुद से ऐसा फोटो वगैरह लगाए हैं, कोई डेकोरेट नहीं किया था, बाकी मैं सिंपली कहीं भी कैमरा रख देता हूँ, एक ट्राईपॉड पर अपने और एक रिंग लाइट रख देता हूँ और फोन हाथ में पकड़े ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, कोई मेरा प्रॉपर स्टूडियो नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकिब तेरा ड्रीम क्या है। कुछ नहीं है,
सोचा ही नहीं कभी इस बारे में, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। बट मेरा एक तरफ से एक पैशन ये भी है कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मतलब मैं यूट्यूब वगैरह ये सब मैंने स्टार्ट किया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये #askTaki टोटल मनी स्पेंड ऑन कैमरा एंड ऑल एक्सेसरीज। तो भाई कैमरा एंड ऑल एक्सेसरीज का मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मेरे पास एक आईफोन 11 है, कैमरा कैनन का मार्क टू, उसके बाद एक सॉफ्ट लाइट रिंग लाइट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कैमरा और एक्सेसरीज का पूछा ना तो बस इसमें यही चीज़ें आती है मेरे पास, जो चीज़ें माइक वगैरह जो भी बैग वगैरह प्रॉपर सा जो भी है ये, इसका आपको ये मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी में बता दूंगा तो आप वहाँ जाकर पता कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन वहीं से पूछे तो वहाँ मिल जाएगा आपको आंसर इसका। #askSaki व्हाट अदर थिंग्स डू यू डू व्हेन कैमरा इज ऑफ। तो भाई मैं ये सब करता हूँ जब कैमरा ऑफ होता है। अगला क्वेश्चन ये है व्हाट इज योर एज। तो भाई मेरी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ब्लॉग बनाओ कोई आउट ऑफ कंट्री। भैया मेरे जेब में बिल्कुल 10 रुपये पड़े हैं और भाई 10 रुपये में इंटरनेशनल सेटअप टूर कब, सेटअप है ही नहीं तो टूर कहाँ से करें हम। अगला क्वेश्चन ये #askSaki व्हेन विल बी योर कोलैबोरेशन वीडियो। भाई एक्चुअली मैंने एक दो कोलैब्स किए मेरे ही चैनल पर, मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं उनके DMs आते हैं कि भाई प्रमोशन कर दो या फिर ब्रांडिंग कर दो, हम आपको पे आउट कर देंगे, बट मेरे को उस चीज़ का भी नहीं है, मैं उस लेवल पर नहीं हूँ मैं उसको उनको मतलब स्पॉन्सर कर सकूँ, क्या फ़ायदा उसका जा, अगर मैं किसी चीज़ को स्पॉन्सर करूँ उनको रिजल्ट बेटर ना मिले, 10 या 20 बंदे जाकर वो चीज़ खरीदें या वो चीज़ करें, तो उसमें अभी वो नहीं है कि उनका फ़ायदा हो या मेरा फ़ायदा हो, तो हम करेंगे बट एक लेवल जब हमारा बन जाएगा जब हम एक चीज़ पर ग्रो करेंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन ये फर्स्ट YouTube वीडियो कौन से फ़ोन से बनाई थी। भाई मैंने फर्स्ट YouTube वीडियो Samsung Galaxy J2 से बनाई थी, तो भाई वो चैनल अभी गायब हो चुका है क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया है, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन ये है YouTube इंस्पिरेशन कौन है आपकी। भाई मेरा YouTube और मेरी लाइफ का सबका इंस्पिरेशन एक ही बंदा हुआ है, अनीस से है। अगला क्वेश्चन ये है व्हाट विल हैपन अगर मैं आपको अपने सीक्रेट्स बताऊंगी। ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपके सीक्रेट्स आप मेरे को बताओगे मैं जाकर किसी और को बता दूंगा, ऐसा कुछ सीन नहीं रहने वाला है क्योंकि मेरे को खुद की बातें याद नहीं रहती, कल शाम को मेरे साथ क्या होगा था कल दिन का मेरे को याद नहीं है, बस मेरे को अपने काम को लेकर फोकस करना है तो मैं वही कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये #askSaki आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या आपने कभी उसको किस किया है। भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। #askSaki ब्रो हमें आपकी पूरी लाइफ स्टोरी जाननी है। तो ब्रो इस पर एक वीडियो आएगा बट अभी नहीं, जब हम थोड़ा ग्रो करेंगे, हमें मतलब हर चीज़ में ग्रो करना है तभी वो चीज़ आएगी। तो भाई शेयर करो चैनल को, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और इसलिए ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रो प्लीज़ दिल्ली में मिलो कभी, मैं और मेरे सारे दोस्त आपके फ़ैन हैं। तो ब्रो दिल्ली भी जब भी हम आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, मैं जब भी दिल्ली अगर कभी आया तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये अगर कभी कोलैब करने का मौका मिले तो किससे करोगे, सनी लियोनी या मियां खलीफा। मैं दोनों के साथ करूँगा, मैं एक के साथ मैं दोनों के साथ कोलैब करूँगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आई सी दानिश ज़हन इन यू, माय फर्स्ट इंस्पिरेशन इज दानिश एंड सेकंड इज़ यू, थैंक यू सो मच। बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं दानिश ज़हन हूँ, इज़ माई इंस्पिरेशन। और बहुत सारे लोग मेरे को ये मैसेज करते हैं कि भाई तू खुद को दानिश ज़हन समझता है वगैरह वगैरह, आई डोंट गिव अ डैम फक अबाउट दैट, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग क्या सोचते हैं क्या समझते हैं क्या बोलते हैं, बस ये चीज़ है कि मैं जो हूँ रियल हूँ, मैं फेक नहीं बन रहा बाकी की तरह। अगला क्वेश्चन ये है #askSaki ब्रो कहाँ से हो, लव फ्रॉम डोडा। भाई मैं जम्मू से हूँ। अगला क्वेश्चन ये और कोई छोटा भाई है, भाई नहीं मैं सबसे छोटा ही हूँ। अगला क्वेश्चन ये आप इतने अश्लील क्यों हो, एक शरीफ लड़के को ऐसा बोलते हुए तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आ रही क्या, इतना शरीफ लड़के को तुम ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, गलत बात है। अगला क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, भाई जम्मू। अगला क्वेश्चन भाई आप जम्मू से हो ना, हाँ भाई जम्मू से ही हूँ। तो और भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैं आंसर मतलब नहीं दे पाया, इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सब पढ़े, कुछ क्वेश्चन इतने कॉमन थे, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है वगैरह वगैरह, सबके आंसर मैंने दिए हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट करके ज़रूर बताना जिसका क्वेश्चन मैंने लिया वो ज़रूर भाई कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और उसके बाद अगर मेरे को इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करो,
हम जरूर कभी ना कभी एक अगला Q&A रखेंगे। हम इंस्टाग्राम से क्वेश्चन उठाते हैं, तो वहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।